हजरत मोहम्मद की यौम पैदाइश की खुशी में छत्तीसगढ़ मुस्लिम चैरिटेबल सोसाइटी के सदस्यों ने फूलगांव वृद्धाश्रम दुर्ग आस्था फाउंडेशन सेक्टर 2, प्रगति दिव्यांग स्कूल सेक्टर 2 और फील्ड पर मार्थम फाउंडेशन सेक्टर 3 में बुजुर्गों व बच्चों को भोजन करवाकर उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआ मांगी। 12वीं रबीउल अव्वल के पूर्वाहार मौके पर छत्तीसगढ़ मुस्लिम चैरिटेबल सोसाइटी के पदाधिकारियों द्वारा इसकी खुशी मनाते हुए भिलाई ही नहीं बल्कि दुर्ग पहुंचकर अपनी खुशी का इजहार किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ मुस्लिम चैरिटेबल सोसाइटी के बैनर तले दुर्ग के पुलगांव स्थित वृद्धाश्रम में पहुँच बुजुर्गों को वहाँ रह रहे बुजुर्गों को दोपहर का भोजन भी कराया गया। इसके साथ ही संगठन के पदाधिकारियों ने कुछ बुजुर्गों से चर्चा कर उनका हाल चाल भी जाना। गौरतलब है कि हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर छत्तीसगढ़ मुस्लिम चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा भिलाई के वृद्धाश्रम व बच्चों के बीच पहुंचकर उनका उत्साह बढ़ाया गया। वही शनिवार को पुलगांव वृद्धाश्रम में भी बुजुर्गों के बीच जाकर उनका हालचाल जाना और उन्हें भोजन कराया गया। इसके साथ ही आस्था फाउंडेशन सेक्टर 2, प्रगति दिव्यांग स्कूल सेक्टर 2 और वृद्धाश्रम पुलगांव दुर्ग इसके सहित परामर्थ फाउंडेशन सेक्टर 3 भी इसके साथ ही वहाँ पर भी सेवा दी गयी। गौरतलब है कि हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर छत्तीसगढ़ मुस्लिम चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा भिलाई के वृद्धाश्रम व बच्चों के बीच पहुंचकर उनका उत्साह बढ़ाया गया। शनिवार को पुलगांव वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के बीच जाकर उनका हालचाल जाना और उन्हें भोजन करवाया। इस संबंध में संगठन के सदस्यों ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। छत्तीसगढ़ मुस्लिम चैरिटेबल सोसाइटी की तरफ से हम कल से ये वृद्धाश्रम आस्था और यहाँ खाना प्रोवाइड करवा रहे हैं। हम कल रात में आस्था में हमने खाने का इंतज़ाम किया था, आज सवेरे डिसेबल्ड सेक्टर 2 में नाश्ते का इंतज़ाम किए थे और आज अभी हम पुलगांव में लंच का इंतज़ाम किए हुए हैं। और ये से जो काम हम जो कर रहे हैं इसमें हमको हम सब पूरी टीम को बहुत दिली खुशी हो रही है इसमें, और चाहते हैं कि हम हर साल हमारा ये सिलसिला ऐसे ही कायम रहे। छत्तीसगढ़ मुस्लिम चैरिटेबल सोसाइटी की जानिब से ये प्रोग्राम रखा गया है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इंसानियत का पैगाम दिया है और बताया है कि एक इंसान दूसरे इंसान की मदद कैसे की जाए। हम लोगों ने इस प्रोग्राम को रखा और कोशिश है कि इसे बेहतर और आने वाले सालों में करेंगे। जानते हैं कि ये रबीउल अव्वल का महीना है और इस महीने में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी और ये बहुत ही मुसलमानों के नज़दीक में खुशी का त्यौहार है। तो इसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज वृद्धाश्रम में वृद्धा लोगों के लिए भोजन का इंतज़ाम किए हैं और ये बहुत खुशी की बात है। हम सबको बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हम इस काम में शामिल हैं। छत्तीसगढ़ मुस्लिम चैरिटेबल सोसाइटी की जानिब से हमने कार्यक्रम रखा है यहाँ पर। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है 9 तारीख, तो उनकी आमद की खुशी में हमने कार्यक्रम रखा है। वृद्धाश्रम को इसलिए इस बार सेलेक्ट किया गया है, पिछले 12 वर्षों से हम सब कार्य करते आ रहे हैं लेकिन इस बार हमारा जो थीम था कि हम सिर्फ वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम और जो मानसिक विकलांग बच्चे हैं उनके लिए कार्यक्रम रखा है। तो हमने कल रात से मतलब 7 तारीख से हमने स्टार्ट किया है इसको। तो आस्था फाउंडेशन सेक्टर 2 में वृद्धाश्रम है, वहाँ पर हमने कार्यक्रम किया और एक मुस्कान फाउंडेशन सेक्टर 2 है जहाँ पर भी विकलांग बच्चे हैं उनको आज सुबह का नाश्ता प्रोवाइड किया और आज सर दोपहर का हमने फुलगांव में जो गवर्नमेंट का वृद्धाश्रम है यहाँ कर रहे हैं। क्योंकि हमारे शरीयत में है कि मानव की जो सेवा है, इंसान की सेवा है, सभी धर्मों में है, जो मानव की सेवा है वही सर्वश्रेष्ठ है। तो उसी थीम पे हम ये काम करते हैं, पिछले 12 वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ मुस्लिम चैरिटेबल सोसाइटी की तरफ से वृद्धाश्रम पुलगांव में आज यहाँ पे छत्तीसगढ़ मुस्लिम चैरिटेबल सोसाइटी की तरफ से भोजन खाने की व्यवस्था की गई है। जो खाना हमारा अक्षय पात्र से आया है उसी के लिए हम लोग यहाँ पे हमारी पूरी टीम एकत्रित होंगे। हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन की खुशी में छत्तीसगढ़ मुस्लिम चैरिटेबल सोसाइटी के द्वारा किया गया कार्य बेहद सराहनीय है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।